हम छत के ऊपर आ गए हैं और यहाँ से जो नजारा मिल रहा है चक्राता का वो अमेजिंग है। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये मैं घंटाघर के पास खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं आप घंटाघर। मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं अभी और मुझे अपने गांव के लिए निकलना है। 7 बज चुके हैं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो अभी ये पीछे गाड़ी खड़ी है जहाँ पर लोग अभी अपना सामान पैक कर रहे हैं। मुझे अपने गाँव के लिए निकलना है, 2 दिन का ट्रिप होने वाला है एंड वाया चक्राता होते हुए जाएंगे अभी हम। चक्राता अगर आपने नहीं मालूम तो पता लग ही जाएगा, आगे डेस्टिनेशन में आएगा एंड निकलते हैं बस। तो बॉयज एंड गर्ल्स अभी चक्राता पहुंच गए हैं एंड चक्राता आते आते काफ़ी भूख लगी है। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया था बट अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो नाश्ता अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये चक्राता है मेरे पीछे एंड नाश्ता भी आगे जाके करेंगे। यहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर आगे सावड़ा पड़ता है एक जगह, तो वहाँ जाके हमारा नाश्ता होगा। वहीं पर अपना खाना नाश्ता जो भी खाएंगे देखेंगे वहाँ पर। फिलहाल आप चक्राता का व्यू देखिए कितना सुंदर है। तो गाइस अभी हम छत के ऊपर आ गए हैं और यहाँ से जो नज़ारा मिल रहा है चक्राता का वो अमेजिंग है। और मेरे साथ मेरे भाई हैं, भाई का नाम रोनित थापा जी है मेरे साथ। और अभी हम मजे ले रहे हैं फुल ऑन, गाड़ी का व्यू दिखाते हैं आपको आएगा। ये है चक्राता की वादियाँ और अभी हम छत से बैठे बैठे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सही। लोग तो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं गाइस सनरूफ ऊपर चढ़ने के लिए, बट हम ऑटोमेटिकली चढ़े हुए हैं। हमारे ड्राइवर साहब इतने अच्छे हैं, इतने भले इंसान हैं कि हमको ऊपर चढ़ा दिया। ये देखिए गाइस, मार्च के महीने में भी इतनी बर्फ जमी पड़ी है अभी तक, क्या बात है। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई।
सो गाइस अभी आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं। मैं लंच कर चुका हूं, लंच का मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज सो हंग्री, तो मैं वीडियो बनाना भूल गया। बट कोई बात नहीं, अब यहां से 30 से 32 किलोमीटर दूर त्यूनी है, वहां से आगे करीब करीब 30 किलोमीटर और जाना है तो मैं अपने गाँव पहुँच जाऊँगा उसके बाद। एंड जो मेरे पीछे जगह दिख रही है ये है सावड़ा, तो ये बीच में है काफ़ी। एंड यहाँ से अभी हमें 60 किलोमीटर अप्रॉक्स जाना है तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। बाकी यही है, आगे चलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको। सो फाइनली गाइज मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और अभी बहुत ही ज़्यादा इधर ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है और चांशील में आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी, जैसा मैंने आपको कहा था कि इधर बहुत ठंडा होने वाला है। तो अभी उतना ठंडा है भी नहीं और है भी शाम को सुबह ठंडा है गाँव में, बट दिन को अच्छी खासी गर्मी भी हो रही है। एंड नीरज भाई मुझे लेने आए थे। सो नीरज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं हम। तो ये हमारे नीरज भाई हैं, यही है वो बंदा जिसको मैं शक्ति बोलता हूँ और नीरज ही बोलता हूँ, इनका प्यार से हम शक्ति बोलते हैं। एंड वो ही वो वादियाँ हैं गाइस, ये रहे इधर। एंड नीरज भाई बता रहे हैं कि फूल भी आ चुके हैं, जो ये सेब के पौधे हैं इनमें आप देख सकते हैं इनमें फूल आ चुके हैं। अब ये देखिए हल्के हल्के फूल आ गए हैं, इसके बाद इनमें पॉलिनेटर टांगते हैं ताकि और अच्छे से पॉलिनेशन हो सके, और पॉलिनेशन होने के बाद आपका सेब लगेंगे मीठे मीठे। एंड जब लगेंगे तब आपको उस टाइम का वीडियो भी दिखाएंगे। तो अभी मेरा ये काम है कि मैं गांव चलता हूँ, अभी तो मैं ऊपर आया था कुछ काम से। एंड ये देखिए मेरे पीछे स्वर्ग है, ये स्वर्ग, बाकी मिलते हैं। सो गाइस वो दूर हाइट में जो है वो एरिया है चांशील। सो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं और निकू भाई की दुकान के बाहर हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमारे एक और भैया भी हैं, दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि लाइट की थोड़ा सा कमी है, बाकी लगी तो है लाइट, पोल लाइट वाली जो लगी रहती है रोड के साथ। एंड अभी मैंने थोड़ा सा खेला भी था बट उसका वीडियो अच्छे से आया नहीं, कोई बात नहीं, कल आपको अच्छे से उसका वीडियो दिखाएंगे। एंड मेरा होम टाउन इस तरफ है, अभी दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है क्योंकि मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ। निक्कू भाई हैं इधर, इनकी प्यारी सी छोटी सी दुकान है यहाँ पर जिसमें निक्कू भाई बैठ के एंजॉय करते हैं। निक्कू भाई निकू भाई और मैं तो बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, तो हम चलते हैं उजाले में। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 है आज, तो सुबह तो मैं नहीं उठा हूँ, मैं थोड़ा लेट उठा हूँ आज, 8 बजने वाला है। धूप भी पार वाले पहाड़ में आ चुकी है, इस वाले पहाड़ में थोड़ी देर में आने वाली होगी धूप अभी। एंड अभी काव में ठंडा तो है सुबह शाम, इसलिए मैंने दाजी का कोट भी पहन लिया है, इसलिए मेरे को नेता वाला फील आ रहा है, पूरा नेता लग रहा हूँ शायद मैं, तो मुझे वोट जरूर देना जब मैं उठूंगा नेता के लिए। और अभी काम कुम करने हैं 2-3, तो उस काम को निपटाते हैं। पहले तो मुझे स्प्रे करनी है आज, दूसरा काम यह है कि मुझे लकड़ी भी लेके आनी है ताकि लकड़ी काम पड़ रहा है घर में कुछ तो उसका काम के लिए। एंड बाकी अपने पीछे गांव का मंदिर है, ओवरऑल काम कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत रहा है इसलिए यहाँ पर रेता पड़ा हुआ है सामने, ये इधर इधर इधर, हाँ। तो बाकी तो ये है अपना होम टाउन, ये एक और मंदिर है। एंड चांशील काफ़ी दूर है यहाँ से, ये अपने गांव का ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं शाम को बैठते हैं, और ये अपने गांव का व्यू, ये घर है। तो ये गांव का शुरुआती रास्ता है, शुरुआती मुआयना बोल सकते हैं आप, जहाँ से गांव में घुसते हैं अंदर, तो यही है। एंड यहाँ से रास्ता है जहाँ से आते हैं गाँव के अंदर, एंटर करते हैं। बाकी अब नाश्ता वाश्ता करते हैं, घर जाते हैं, एंड इसके बाद बनाएंगे आगे की वीडियो।
काफ़ी काम कर लिया है एंड अभी काफ़ी थक लग गई है, हाथ भी थोड़ा दर्द कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, घर चलना है और रेस्ट करना है। दादाजी भी अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, मैं भी अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। मुझे खोदने का था, स्प्रे करने का था और लकड़ी अरेंज नहीं हो पाई, तो लकड़ी हम कल अरेंज करेंगे जैसा कि चाचा जी ने मुझे बोला है। तो अभी मैं रिलैक्स कर रहा हूँ बैठ के, थोड़ा सा थकान और कमर सीधी कर रहा हूँ। और ये नीचे रोड है, गाड़ी भी जा रही है और आप अगर देख पा रहे हैं तो वो नीचे जो गांव दिख रहा है दूर, वो चीवा गांव है। चीवा ये ऊपर बलावट है, तो चीवा में हमारे जो कुल देवता है उनका मंदिर है। एंड जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो अपने गांव का व्यू है। करीब करीब वहाँ से अभी हम 500 मीटर दूर हैं, तो इधर हमारे बगीचे हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं अभी। एंड ये देखिए दादाजी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से पानी जोड़ रहा था, बाद में जोड़ दी इसको, अब से बाद में जोड़ेंगे शाम के समय। और ये हमारे दादाजी हैं, वो नीचे ड्रम है जो भर चुके हैं, अब हमें पाइप समेटना है और घर को निकलना है। सो गाइस अभी खाना होना खा के दिन के बज रहे हैं 3:15, तो मैंने काम घूम करके मैं वापस आया, फिर मैं लंच किया। लंच करने के बाद अभी थोड़ा रिलैक्स किया, रिलैक्स करने के बाद टीवी भी देख ली। टीवी देखने के बाद अब जब बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ मैं, तो मैं निक्कू भाई के साथ आया हूँ उनकी दुकान में, और निक्कू भाई भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सो ये है निक्कू भाई, कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे निक्कू भाई। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं निक्कू भाई, इनकी मैंने प्रोग्रेस खुद देखी अपनी आँखों के सामने। ये अभी ग्रोइंग पीरियड में है, लर्निंग में है, सीख रहे हैं। मैंने इनको मतलब देखा है, ये इतने से इन्होंने जब अपना कितना बड़ा ऊंचा कर दिया है आजकल। क्या बोला तूने? तो जहाँ तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि जहाँ तारीफ करूंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ज्यादा। आसमान मोड़ है तो अच्छी बात है, बट ज्यादा भी नहीं फेंकूंगा मैं। बट ही इज लर्निंग एंड ही इज डूइंग रियली गुड इन हिज लाइफ एंड इन हिज गेम एज वेल। क्या है आपका नाम? क्या खाएगी? ले ले ले, बोलो नाम, बोलो आपका नाम क्या था? डिबू। अच्छा अभी क्या खाना चाहते हो आप बताओ? क्या? कुरकुरे, चिप्स, स्ट्रिंग, कोल्ड ड्रिंक, क्या पियोगे? माजा, रोटी, रोटी पिएगी? बताओ डिबू। फ्रूटी। सो गाइज मैं ग्राउंड के बहुत ही पास आ चुका हूँ, शाम के 5 बज गए हैं और सभी खेलने को भी आने वाले हैं अभी। एंड मेरे पीछे यहाँ पे पानी का बहुत प्यारा स्रोत भी है, अगर आप देख पा रहे हैं वो ऑन माय राइट साइड। और ये बहुत ही प्यारा ग्राउंड है अपना यहाँ पर वॉलीबॉल का। तो अभी 5 बज गया, सब आते ही होंगे एंड देखना है यहाँ पे क्या तगड़ा मैच होता है आज, क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो काफ़ी सही खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं अब, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो लुक एट द ग्राउंड, ये अच्छा ग्राउंड है काफ़ी, तो उनका वेट करते हैं अब। ठीक है, तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे ही नई नई वीडियोस में हम आपसे मिलते रहेंगे, आपको अपना कल्चर गांव दिखाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।